सैन फ्रांसिस्को मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट सिटी है। ये सारे इधर रेस्टोरेंट्स और शॉप्स बनी हुई हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। ये गोल्डन गेट ब्रिज है, बड़ा मज़ा आता है जब भी आते हैं। मैं अब आपको भी स्कूटी की राइड कराता हूँ। लोग अपने बच्चों से ज़्यादा ये पपी से प्यार करते हैं। हम लोगों के फैमिली पैक होते हैं, भाई के सिक्स पैक्स बने हुए फैमिली पैक ले अंकल। रास्ते में जाते हुए भी पेट्रोल डलवा रहे हैं। है बे ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को सिटी के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 10 मिनट्स ड्राइव पे है। रास्ते में आता है ये, सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। राइट साइड पे प्रेयर आइलैंड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समी असलम। वेलकम आप सब लोगों को, और आज मैं आपको लेके आया हूँ सैन फ्रांसिस्को सिटी में। विंड बहुत तेज़ है इसलिए थोड़ी साउंड भी कम आ रही होगी। ये देखें टूरिस्ट, ज़्यादातर इधर टूरिस्ट ही हैं, रश काफ़ी होता है इधर। पियर 39 आ गया, फिशरमैन वॉर्फ। रेस्टोरेंट्स भी इधर बड़े ज़बरदस्त हैं सी फूड के लिए ज़्यादा। ये सारे इधर रेस्टोरेंट्स और शॉप्स बनी हुई हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। और आज शकील भाई भी हमारे साथ हैं। शकील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र, आप सब लोग ठीक है? तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है शकील भाई, क्या खाएंगे फिर आज? जो भी अच्छा होगा इधर खाएंगे इंशाल्लाह। इधर फ्रूट वगैरह के पीछे वाटर फ्रंट पे सारी शिप्स और बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं। फूड भी स्पेशली इधर बड़ा ज़बरदस्त है सी फूड। और आए हैं हम इधर सबसे पहले क्रैब कैफे, फ्रेंच क्रैब्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं इधर। सिटी में काफ़ी दफ़ा आते हैं तो इस वजह से शॉप्स वगैरह का भी पता है, तो थोड़ा रश है। सबसे पहले इधर से ब्रेकफास्ट करेंगे। ये कैरीमल, ये वेजी, और ये आ गया अपना नुटेला क्रैप विद कंडेंस्ड मिल्क। अभी ब्रेकफास्ट किया है, अब गोल्डन गेट ब्रिज इधर से थोड़ा ही दूर है उस तरफ को जा रहे हैं। स्कूटी वगैरह लेंगे, इधर काफ़ी ज़्यादा स्कूटीज और साइकिल वगैरह पड़ी होती हैं, बड़ा मज़ा आता है तो उस तरफ को। जी अभी निकले हैं फिशरमैन वॉर्फ से, ये आप देख सकते हैं वाटर फ्रंट पे जो ये घर भी हैं काफ़ी महंगे होते हैं इधर। ये सामने वाटर फ्रंट है। अभी मैं क्या कहते हैं ये स्कूटी लेने लगा हूँ, फिर गोल्डन गेट ब्रिज तक जाएंगे। तो
मैं ऑन करता हूँ इसको। ये सभी भाई स्कूटी के मजे लेते हुए बड़ा मजा आता है इधर जब भी आते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सीन है। इधर से आपको गोल्डन गेट ब्रिज भी नजर आ रहा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत जगह है। ये गोल्डन गेट ब्रिज है सामने, जो कि आइकॉनिक जगह है सैन फ्रांसिस्को सिटी और बल्कि यूएसए की जी। तो ये आ गया गोल्डन गेट ब्रिज बैक साइड पे, ज़बरदस्त जगह है, बड़ा मज़ा आता है जब भी आते हैं और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। 30 माइल बस दूर है मगर उधर और इधर के वेदर में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पूरा साल मैंने जैसे बताया अगर गर्मी नहीं पड़ती, अपर पहनना पड़ता है। इधर फिशरमैन वॉर्फ से यहाँ तक आने में 30 मिनट्स लगे हैं। चलें अब आपको भी स्कूटी की राइड कराता हूँ वापस जाते हैं। हाँ जी शकील भाई, समी भाई एंजॉय कर रहे हो? यहाँ पे हम रनिंग करने भी आते रहे हैं काफ़ी अरसा ये ट्रैक पे, लेकिन आज से फिरने आए हैं। मौसम एक तो ज़बरदस्त है, ऊपर से बड़ा क्लीन एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त है वेदर, तो कमाल है। और यहाँ पे जो है लोग अपने बच्चों से ज़्यादा ये पपी से प्यार करते हैं और यार ये काट देना यार चलो कोई नहीं, नहीं जो हकीकत है यार यहाँ पे ऐसे ही है और चलो क्या कर सकते हैं। और समी भाई अपने व्यूअर्स को कुछ बताएं इधर के बारे में, जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं आपको फॉलो करते हैं। सब पाकिस्तान आने की तैयारी है 2 मंथ्स के लिए, काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी पाकिस्तान में क्योंकि पिछले साल भी आए थे तो 10 महीने के बाद आते हैं, बड़ा मज़ा भी आता है। नहीं इस बार साथ साथ शेयर करते रहेंगे जो जहाँ जहाँ खाने जाएंगे फिरने तो जाएंगे। फूड का प्रोग्राम है हर जगह, काफ़ी जो अपनी फेवरेट प्लेस है इस दफ़ा उसकी वीडियो सारी डालेंगे। फिर क्रिकेट की इस दफ़ा मैचेस काफ़ी ऑर्गेनाइज किए हैं पाकिस्तान में, और हम लोग इंडोर क्रिकेट भी खेलते हैं वो जो बड़े खूनी मैच होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। एक अच्छा आइडिया मेरे पास है कि गोप्रो हेलमेट के ऊपर लगा के जो मैचेस वगैरह खेलूँगा तो काफ़ी मज़ा आता है उसमें, जो देखते हैं उनको ऐसे लगता है जैसे वो खेल रहे हैं, तो वो भी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। इंडोर क्रिकेट के लिए जबरदस्त मैच खेले थे टेप बॉल के लिए, सारे मैच जीत गया। अरसलान भाई समी भी कह रहे हैं रेडी हो जाओ इस बार फिर हारने के लिए। हाँ इस बार शकील भाई भी आ रहे हैं और फिलहाल भाई आप भी रेडी हो जाए।
बिलाल भाई हमेशा रेडी रहते हैं, वो वक्री गल है, खेलना नहीं आता। बिलाल ने तो रिकॉर्ड बना दिया था पिछली बार। और ये गाइस ये व्यू चेक कर रहे हैं यहाँ से, हम लोगों के फैमिली पैक होते हैं भाई के सिक्स पैक्स बने ए फैमिली पैक ले अंकल फिटनेस का ख्याल करते हैं हम लोग।